दोस्तों आईपीएल 2024 के लिए पंजाब किंग्स का एक नया होम ग्राउंड तैयार किया गया है। पीसीए द्वारा यहां पर मोहाली में एक जबरदस्त क्रिकेट ग्राउंड तैयार किया गया है, महाराजा यादविंदर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, जो कि मुल्लापुर मोहाली में स्थित है, जिसको 2021 में निर्माण किया गया था और 2024 में आईपीएल में पंजाब किंग्स के होस्ट मुकाबलों के लिए इसको रेडी कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में मुल्लापुर में स्थित महाराजा यादविंदर सिंह क्रिकेट स्टेडियम का पिच रिपोर्ट लेके हम आए हैं, जहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर होने वाले मुकाबलों में ये किस प्रकार की खेल की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। आईपीएल के कोई भी मुकाबले यहां पर नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ डोमेस्टिक मुकाबले हुए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे और उस स्टैट्स के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि यहां पर अब तक किस प्रकार का खेल होता आया है। जबरदस्त वीडियो है दोस्तों, अंत तक देखिएगा। लेकिन चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल पर ऑल वाला बटन ऑन कीजिए। साथ ही दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो और चैनल में दिए, लिंक के डिस्क्रिप्शन से आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया गया है। अगर लिंक न काम करे तो सीधे टेलीग्राम पर जाके क्रिकेट एक्सपर्ट बाय विवेक के नाम से सर्च करके भी आप जा सकते हैं। यहां पर सभी मुकाबलों को कवर करेंगे हम, आईपीएल के भी और बाकी के जो मुकाबले होते हैं उनके बारे में भी हम यहीं पर रिपोर्ट करते हैं। यहां पर टॉस के बाद सभी मुकाबलों का ऑफिशियल पिच रिपोर्ट देने के साथ साथ सबके लिए बिल्कुल फ्री में फैंटेसी टीम भी देते हैं। फिलहाल दोस्तों बात करें मुल्लापुर में स्थित इस खूबसूरत से क्रिकेट ग्राउंड की, जो कि 2021 में बनके कंप्लीट हुआ था। 38,000 सिटिंग कैपेसिटी वाले इस क्रिकेट ग्राउंड में यहां पर इंटरनेशनल लेवल या फिर आईपीएल के कोई मुकाबले नहीं हुए हैं। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के दो सीजन के कुछ मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं, 2022 के मुकाबले और 2023 के मुकाबले। उसके आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ मुकाबले तो ऐसे दिखे जहाँ पर हाई स्कोरिंग थ्रिलर हमको देखने को मिले, जबकि कुछ इस मुकाबलों में गेंदबाजी भी काफ़ी कमाल की रही और यहाँ पर बल्लेबाजी को काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा था। तो कुल मिला के हम उम्मीद करेंगे ये आईपीएल के मैचेज हैं जहाँ पर थोड़ी सी बैटिंग तो डोमिनेट करनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा गेंदबाजी के लिए भी यहाँ पर थोड़ी बहुत मदद मिलने की उम्मीद रहेगी। वैसे दोस्तों यहाँ पर जो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दो सीजन में कुल मिला के 23 मुकाबले खेले गए, जिनमें से पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने 15 मुकाबले तो चेज करने वाली टीम ने सिर्फ 8 मुकाबले यहाँ पर जीते हैं। मतलब अभी तक तो जो कि मुकाबले खेले गए हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, उसके आधार पर पहले बैटिंग करना यहां पर फायदेमंद रहा है। वैसे अभी जो आईपीएल 2024 का पार्शियल शेड्यूल आया है उसमें सिर्फ एक मुकाबले इस वेन्यू पे जो कि नामांकित है, ये हुए दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स के बीच जो आईपीएल 2024 का दूसरा मुकाबला है, वही एक मुकाबला है और ये दिन का मुकाबला है जो कि भारतीय समयानुसार दोपहर में शुरू होगा। तो निश्चित तौर पर यहां पर भी पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम फायदेमंद साबित हो सकती है। अब दोस्तों बात करें इसके जो मुकाबले हुए हैं वहाँ के एवरेज स्कोर की, तो पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 148 और दूसरे इनिंग का एवरेज स्कोर मात्र 116 का देखने को मिला है। तो इस बिहाफ पे तो यहाँ पर गेंदबाजी डोमिनेट लग रही है, लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर नए सिरे से नया काम किया गया है और हम उम्मीद करेंगे आईपीएल के कई सारे मुकाबले इस वेन्यू पर होंगे तो यहाँ पर अच्छी स्कोरिंग पिच भी हमको देखने को मिली है। तो वहीं पर दोस्तों इस वेन्यू का हाईएस्ट टोटल जो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 2022 सीजन में हमको देखने को मिला था, जम्मू कश्मीर की टीम अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट 2 विकेट पर 238 बनाई थी। तो लोवेस्ट टोटल में भी 22 के ही सीजन में यहां पर मेघालय की टीम हरियाणा के अगेंस्ट मात्र 53 बना के ऑल आउट भी हुई है। चेज करते हुए यहाँ पर सबसे बड़ा स्कोर चेज किया गया है बड़ौदा के द्वारा, जो कि पिछले साल के सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में हुआ था, मुंबई के अगेंस्ट 7 विकेट पर 149 करके मुकाबला जीता गया था। आप देख सकते हैं 149 बहुत ही नॉर्मल स्कोर है, बड़ा स्कोर नहीं है और जिसको की सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन चेज के रूप में देखा जा रहा है। तो यहां पर सेकंड इनिंग की बैटिंग अभी तक काफी स्ट्रगल कर रही है। लोएस्ट स्कोर डिफेंड में अगर हम देखें तो कर्नाटक की टीम अपने 147 रन के साधारण सहयोग को सक्सेसफुली जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट सीजन 2022 के सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में डिफेंड करके मुकाबला जीता था। बाउंड्री की बात करें दोस्तों तो वैसे तो 64 से 78 मीटर के रेंज की बाउंड्री यहां पर देखने को मिल रही है और एक रिपोर्ट की माने तो यहां पर आईपीएल के दौरान 75-76 रेंज मीटर के रेंज की बाउंड्री यहां पर देखने को मिल सकती है। दोस्तों वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।